प्रिय भक्तों, विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश सभी देवी देवताओं में जिनकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है और जो अपनी बुद्धिमता और चतुराई के लिए जाने जाते हैं, हमारी आज की ये कहानी उनकी उसी बुद्धिमता के बारे में है जिसमें ये साबित होता है कि उनके जितना बुद्धिमान शायद कोई और नहीं। भगवान भोलेनाथ के दोनों सुपुत्र भगवान कार्तिकेय और श्री गणेश जैसे ही युवा अवस्था में पहुंचते हैं, उनके बीच एक छोटा सा विवाद हो जाता है और वो विवाद था शादी का। विवाद सिर्फ इतना था कि पहले शादी किसकी होगी, कार्तिकेय की या गणेश की। भगवान शंकर ने एक शर्त रखी और उस शर्त को भगवान गणेश अपनी बुद्धिमता से कैसे जीतते हैं, आइए सुनते हैं। गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, मंगल करता विघ्न विनाशक, मंगल करता विघ्न विनाशक, शिव जी की संतान। गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान। शादी किसकी हमने है नियम बनाए, पहले हो शादी किसकी हमने है नियम बनाए, दोनों प्राणों से प्यारे ओ मेरे राज दुलारे, सुन लो तुम शर्त हमारी जो जीते बाजी मारे, सुन लो तुम शर्त शंभु, कैसी शर्त रखे मेरे शंभु, सुनो लगा कर ध्यान। गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान। श्रोताओं, शर्त ये थी कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जो भी पहले आ जाएगा शादी उसी की होगी। ये सुनते ही कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े, मगर गणेश जी वो सोच में पड़ गए कि मेरा भारी भरकम शरीर और मेरी मूषक की सवारी, उसके साथ मैं इस पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर पाऊंगा और वो भी पहले। तब गणेश जी ने चतुराई से काम लिया और अपनी बुद्धिमता का परिचय देते हुए क्या किया, आइए सुनते हैं। गजानन घर को आए, तनिक ना देर लगाए, वो आसन सुंदर बिछा कर पिता माता को बिठाए, आसन सुंदर बिछा कर पिता माता को बिठाए, चरणों में शीश झुकाए, वो छप्पन भोग लगाए, पिता माता की परिक्रमा करके गणपति हर्षाए, पिता माता की
अब विवाह पहले हो मेरा, मांगे ये वरदान गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान। पहले तो भगवान श्री गणेश सोचते हैं और फिर अपने माता पिता जी की विधिवत पूजन करके दोनों की 7 बार परिक्रमा करते हैं और कहते हैं, लीजिए मेरी परिक्रमा तो हो गई। तब शंकर जी पूछते हैं, पुत्र गणेश तुम्हारी परिक्रमा कैसे हो गई? कार्तिकेय तो अभी आया भी नहीं और तुमने 7 बार परिक्रमा कर ली और वो भी इस पृथ्वी की। तो पुत्र तुम जल्दी जाओ और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जल्दी आओ। अगर कार्तिकेय पहले आ गया तो उसकी शादी पहले हो जाएगी। फिर तुम मुझसे मत कहना कि पिताजी आपने कार्तिकेय की शादी पहले कर दी, मैं वचनबद्ध हूँ बालक। ये सुनकर भगवान श्री गणेश अपनी बुद्धि का फिर से इस्तेमाल करते हैं और आगे क्या कहते हैं आगे की कथा में हम आपको सुना रहे हैं। गजानन बोले पिताश्री, बात ये मेरी सुनिए, झूठ नहीं बोल रहा मैं, मेरा विश्वास कीजिए। झूठ नहीं बोल रहा मैं, मेरा विश्वास कीजिए। पिता माता की करके आए, पूरी धरती की परिक्रमा का फल वो पल में पाए। पूरी धरती की परिक्रमा का फल वो पल में पाए। मैंने पढ़ी ये सारी बातें, मैंने पढ़ी ये सारी बातें, कहते वेद पुराण गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान। प्यारे भक्तों, माता पिता के प्रति भगवान श्री गणेश का ये प्यार देखकर भगवान शंकर उनकी बातों को कैसे टालते? वो गणेश की शादी पहले करने के लिए राजी हो गए। भगवान शंकर ने भी सोचा, पुत्र गणेश की बात एकदम सही है, तीनों लोकों में माता पिता से बढ़कर और कोई ईश्वर है ही नहीं। जो माता पिता को पूजते हैं उनको किसी ईश्वर की जरूरत नहीं। जो बच्चे अपने माता पिता को प्रेम देते हैं भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं। और इसके बाद भगवान शिव ने तुरंत विश्व रूपा जी को बुलवाया और उनकी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ भगवान श्री गणेश की विवाह की तैयारी शुरू कर दी। और जैसे ही ये बात तीनों लोकों में पता चली, सारे देवी देवता खुशी से झूम उठे और अंबर से फूल बरसाने लगे। आखिर भगवान भोलेनाथ के पुत्र गणेश जी की शादी होने जा रही थी। भगवान भोलेनाथ की ओर से सभी देवी देवताओं को नेह निमंत्रण भेजा गया कि आप सभी आएं और वर वधु को अपना आशीर्वाद दें। और इधर रिद्धि और सिद्धि भी अपना विवाह भगवान श्री गणेश के साथ तय हुआ सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आय हाय हाय, आखिरकार भगवान श्री गणेश उनके पति जो बनने जा रहे थे। देव दानव सब आए, अप्सरा नृत्य दिखाए, शादी की हुई तैयारी, सज रहे गणपति प्यारे।
आदि संपन्न हो गई, देवता फूल बरसाए। रिद्धि सिद्धि को पाकर हर्षित हुए गणेश भगवान। गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान। प्रिय श्रोतागण, इस कहानी से हमें भगवान श्री गणेश जी की बुद्धिमता का पता तो चला ही, लेकिन साथ साथ हमें ये भी पता चला कि भगवान श्री गणेश ने भी इस पूर्ण सृष्टि से भी ऊपर अपने माता पिता को रखा, और जो लोग अपने माता पिता को भगवान से ऊपर रखते हैं, भगवान उन्हें अपने दिल के करीब रखते हैं, और इसीलिए हम सबको भी अपने माता पिताजी की सेवा करनी चाहिए और उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।